तो कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार में भले ही जगह ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने, माफ कीजिएगा, कहा कि विरोधी दल की बैठक से बीजेपी नेताओं में घबराहट है, चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा। इस कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और एक रत्न सदाने शपथ ले लिया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद साहब। सिर्फ एक व्यक्ति ने कैबिनेट की जगह ले ली है। कांग्रेस लगातार मांग करती रही थी कि कैबिनेट में उसे 2 सीटें चाहिए। इस शपथ ग्रहण समारोह में भी कांग्रेस को मौका नहीं मिला, क्या वजह रही? मिल जाएगा मौका, 23 तारीख को शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात यहाँ हो रही है, बैठेंगे, उसके बाद भी हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी विरासत सेक्रीफाइस की विरासत रही है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे गठबंधन को बनाने में, चलाने में, आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका में रहता है। तो और उसके जो डिमांड है हमारी पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की और हमारे पार्टी के एक्सपेंशन के लिए, ये ज़रूरी अमल है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 23 तारीख को के बाद वो भी हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, सदाकत आश्रम भी जाएंगे, वैसी परिस्थिति में कैबिनेट में अगर कांग्रेस को और जगह मिलती तो उन स्वागत भी कैबिनेट मंत्री के रूप में होता। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जब विपक्षी एकता कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकती तो फिर कैबिनेट में कांग्रेस को प्राथमिकता क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी हर समय हर जगह निर्णायक भूमिका में रहती है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को जमीन करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रयास और कांग्रेस का प्रयास सर्वमान्य है, सर्वविदित है। तो ये कंडीशन और प्री कंडीशन लगा के अलायंस हम नहीं करते हैं। वैचारिक संबंध है, वो वैचारिक संबंध मजबूत होंगे। रहा सवाल कैबिनेट एक्सपेंशन का, 23 तारीख के बाद वो भी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं में मतैक नहीं है, कैबिनेट में जगह किसको मिले इसको लेकर के भी अंदरूनी भी कहीं ना कहीं खींचतान है, इसके चलते भी हर पार्टी में हो सकता है। संख्या अगर किसी पार्टी की बड़ी है और नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बनने वाले कम है तो वो खींचतान किसी ख्वाहिश नहीं रहती, वो तो हो सकता है, वो तो फितरती अमल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करता है पार्टी के लोग मानते हैं। अपने सदा कितना कामयाब होंगे? जितना कामयाब होंगे, 3 बार MLA बने हैं, लगातार चुन के आए हैं, बहुत कामयाब होंगे। विचार के अच्छे हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के ऐसे चुन के आते हैं, पूरा जीवन उस तरह से देखा है, तो काम करेंगे।